राजस्थान में फर्जीवाड़े और पेपर लीक मामलों में सरकार का एक्शन लगातार जारी है। कुछ दिन पहले ही पेपर लीक मामलों की जांच कर रही एसओजी ने फर्जी डिग्रियों के मामलों में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो निजी विश्वविद्यालयों के मालिकों को गिरफ्तार किया, तो वहीं इस मामले में एसओजी को फिर से बड़ी सफलता मिली है और इसके तहत वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2022 की पेपर लीक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जैसे जैसे एसओजी की कार्रवाई जारी है, वैसे वैसे इस फर्जीवाड़े की पूरी कहानी बाहर आ रही है। देखिए रिपोर्ट। पेपर लीक मामलों की जांच कर रही एसओजी ने फर्जी डिग्रियों के मामले में भी बड़ा एक्शन लिया है। पेपर लीक से संबंधित मामलों की जांच के दौरान फर्जी डिग्रियों के कई केस पुलिस के सामने आए थे। डीआईजी परेश देशमुख के नेतृत्व में हुई जांच के बाद एसओजी की टीम ने राजस्थान के दो निजी विश्वविद्यालयों के मालिकों को गिरफ्तार किया है। चूरू जिले में स्थित ओपीजेएस यूनिवर्सिटी के मालिक और संस्थापक जोगेंद्र सिंह और अलवर स्थित सनराइज यूनिवर्सिटी के मालिक जितेंद्र यादव को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी जितेंद्र यादव एमके विश्वविद्यालय पाटन गुजरात यूनिवर्सिटी का मालिक भी है। इन दोनों के साथ एक महिला सरिता कड़वासरा को भी गिरफ्तार किया, जो ओपीजेएस यूनिवर्सिटी में 7 साल तक रजिस्ट्रार और चेयरपर्सन रही है। जितेंद्र यादव द्वारा अपनी पार्टनरशिप उसकी सनराइज यूनिवर्सिटी में भी है, इसकी खुद की एमके यूनिवर्सिटी है, हैज रिसेंटली टेकन ओवर इन गुजरात पाटन, और बूंदी जिले में जीत यूनिवर्सिटी के नाम से इसकी यूनिवर्सिटी भी आने वाली थी। इसी के साथ जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र और वर्ष 2015 से लेकर 2013 से लेकर 2015 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रार और 2015 से 2020 तक ओपीजेएस यूनिवर्सिटी की चेयरपर्सन और जोगेंद्र सिंह की महिला मित्र सरिता कड़वासरा को हमारी टीम ने अभी रोहतक से डिटेन कर लिया है, जिसे भी यहाँ लाकर इसकी गिरफ्तारी की जाएगी। ओवरऑल इनका जो मोडस ऑपरेंडी है, जब हमने जांच की तो उसमें कई हमें विसंगतियां मिली। उदाहरण के तौर पे जैसे पीटीआई भर्ती हुई वर्ष 2022 की, तो पीटीआई की जो मान्यता है ये ओपीजेएस यूनिवर्सिटी को वर्ष 2015 में मिली और 100 सीट की इसकी मान्यता थी। पीटीआई परीक्षा 2022 में आपको पीटीआई का एडमिशन 2020 से पहले का चाहिए, तो 2015 से लेकर 2016 से इसको मान्यता मिली, तो 2016 से 20 ऐसे 5 कोर्सेज चले, तो मैक्सिमम भी इसके 500 स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो बीपीएड कोर्स इन्होंने वैलिड रूप से किया हो, परंतु जो नॉमिनेशन आए उसमें 1300 से ज्यादा लोगों ने फॉर्म में अंकित किया कि हमने बीपीएड की डिग्री ओपीजेएस से की है। हाल ही में एसओजी की ओर से की जा रही कार्रवाई से साफ हो चुका है कि सरकार किसी भी फर्जीवाड़े से नौकरी लगने वालों को छोड़ने वाली नहीं है। एसआई भर्ती से शुरू हुई जांच अब राजस्थान में आयोजित होने वाली तमाम भर्तियों पर आ गई है। हाल ही में जूनियर इंजीनियर भर्ती, वनपाल भर्ती, रीट भर्ती के साथ फर्जी दस्तावेज के माध्यम से नौकरी लगने वाले लोगों की तादाद काफी ज्यादा है, इसे लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में बांसवाड़ा पुलिस ने पेपर लीक और फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से नौकरी लगने वालों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। वनपाल भर्ती में 11 आरोपियों को हिरासत में लिया गया है। पेपर लीक मामले के अंदर में अब तक पुलिस ने न जाने कितनी गिरफ्तारी की गई है, लेकिन जैसे ही एसओजी की एंट्री हुई है, एसओजी ने पहले ही दिन ही वन रक्षक पेपर मामले के अंदर में अब तक 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन के साथ केंद्र में एसओजी की टीम लगातार पेपर लीक, डमी कैंडिडेट मामले सहित फर्जी डिग्रियों के अंदर में अब एसओजी की टीम लगातार अपनी जांच बढ़ा रही है। ऐसे के अंदर में एसओजी की नजर टीएसपी क्षेत्र के बांसवाड़ा डूंगरपुर सहित प्रतापगढ़ के अंदर में जो एसओजी की नजर है वो पैनी नजर है। ऐसे के अंदर में एसओजी इस पूरे मामले के अंदर में बड़े स्तर पर गिरफ्तारी करेगी और कहीं न कहीं इस पूरे मामले का जल्दी खुलासा कर एक बड़ा मुकाम हासिल करेगी। खास बात अब यही है कि टीएसपी क्षेत्र के अंदर में इस फर्जी डिग्री, डमी कैंडिडेट मामला और पेपर लीक मामले के अंदर में मुख्य सरगना कौन है, खास उन तक पहुँचने के लिए एसओजी अपना पूरा प्लान बना चुकी है। जानिए कैसे करते थे फर्जीवाड़ा। बैक डेट में सैकड़ों की संख्या में फर्जी डिग्रियां की जारी।
मान्यता मिलने से पहले ही विश्वविद्यालय की ओर से बेच दी गई थी फर्जी डिग्रियां। फर्जी प्रवेश दिखाकर खेल प्रमाण पत्र भी जारी किए जाते थे। एमएससी और एग्रीकल्चर कोर्स की मान्यता नहीं होने के बावजूद भी किया जा रहा था कोर्स संचालित और की जा रही थी डिग्री जारी। पेपर लीक और डमी कैंडिडेट बैठाने वाली गैंग के सदस्य फर्जी डिग्रियां दिलाने का काम भी बड़े स्तर पर करते हैं। गैंग के सदस्यों का ओपीजीएस सनराइज और मेवाड़ यूनिवर्सिटी प्रशासन के कुछ लोगों से मिलीभगत होना सामने आया है। बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आने के बाद सरकार ने ओपीजीएस की एडमिशन प्रक्रिया पर भी रोक लगा दी है। गैंग के सदस्य पहले ही अभ्यर्थियों से फर्जी डिग्री और स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिलाने की डील कर लेते थे। अब जब अभ्यर्थी लिखित परीक्षा में पास हो जाता तो उसे किसी न किसी निजी विश्वविद्यालय से फर्जी डिग्री लाकर दे दी जाती थी, कर नौकरी कर रहे हैं। वही सरकार सभी संदिग्ध कर्मचारियों के दस्तावेजों की पूरी जांच करके सख्त कार्रवाई में लगी है। फर्जी तरीके से एडमिशन के लिए कई राज्यों में हैं दलाल। गिरफ्तार किया गया आरोपी जितेंद्र यादव पहले रोहतक में चलाता था स्कूल, बाद में ये ओपीजीएस यूनिवर्सिटी में करने लगा काम। यह आरोपी ओपीजीएस में रजिस्ट्रार भी रह चुका है। लोग फर्जी तरीके से एडमिशन कराते हैं कई राज्यों में इनके दलाल, जो वहां की स्टूडेंट को यहां के निजी विश्वविद्यालयों की डिग्रियां दिलवाते हैं। बिहार के कई स्टूडेंट्स का नाम सामने आया है जिन्होंने ओपीजीएस से ही डिग्रियां ली हैं। अधिकतर स्टूडेंट्स राजस्थान आए ही नहीं और रुपए लेकर उन्हें डिग्रियां दे दी गई। जैसे जैसे एसओजी की जांच आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आगे कई और बड़े खुलासे होने की संभावना है। फर्जी डिग्रियों को लेकर की गई हाल ही में एसओजी की कार्रवाई की सराहना की जा रही है। इस मामले में चूरू की ओपीजीएस यूनिवर्सिटी के मालिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अलवर स्थित सनराइज यूनिवर्सिटी के मालिक को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इन यूनिवर्सिटी से बड़े स्तर पर फर्जी डिग्री खेल प्रमाण पत्र बनाने की बात सामने आई है। भजनलाल सरकार बनने के बाद लगातार एसओजी एक्शन मोड में नजर आ रही है। जयपुर के बाद बांसवाड़ा में बड़ी कार्रवाई की जा रही है। एसओजी की रडार पर कई ऐसे नाम अभी भी हैं जो एसओजी की पकड़ से दूर है। जल्द इन लोगों की गिरफ्तारी होने की संभावना भी है। एसओजी ने हाल ही में जयपुर में फर्जी डिग्रियों को लेकर दो बड़ी यूनिवर्सिटियों का खुलासा किया था। अब इनकी जो लिस्ट है, जो फर्जी अभ्यर्थी जिन्होंने फर्जी डिग्री लेकर नौकरी प्राप्त की है, उनकी एक लिस्ट उच्च शिक्षा विभाग को दे दी गई है। जल्द इस पर उच्च शिक्षा विभाग एक्शन ले सकता है। कैमरा पर्सन मुकेश मीणा के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क, जयपुर।